64वीं बीपीएससी के रिजल्ट में 15 क्वेश्चन का आंसर लगे और 3 क्वेश्चन को ब्लीच किया गया, जिसको लेके हम लोग लगातार रिजल्ट के बाद से ही आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रण सबसे मिल चुके थे, सब लोग बुलाए थे, प्रूफ के साथ हम लोग दिए थे, अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को, सबके पास दे चुके, राजभवन, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबके पास दे चुके। तो हम लोग आज आए थे, 7 दिन के बाद बुलाया गया था कि क्या कार्रवाई है उसको जानने के लिए। तो अभी अध्यक्ष महोदय तो से बात नहीं हो पाई, सचिव महोदय से बातचीत हुई है तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है फिर कि हम लोग जांच करवा रहे हैं, एक्सपर्ट टीम को बुलाए हुए हैं, वो लोग देख रहे हैं जिस क्वेश्चन पे आपत्ति है, जिस भी 15 क्वेश्चन पे आपत्ति है गलत आंसर और 3 डिलीटेड पे, तो उस पर एक्सपर्ट टीम हमारा काम कर रहा है। लेकिन उसका रिजल्ट कब तक आएगा, वो कब तक अपना देंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही पाया जा रहा है गलत पाया, उसका कोई वो डेट नहीं बता रहे हैं, अभी कोई फिक्स डेट नहीं बता रहे, बोल रहे हैं वो हम नहीं बता सकते, ना ही कुछ रिटर्न में दे रहे हैं। उनका सिर्फ इतना करना है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर एक्सपर्ट टीम कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत उनको लगता है, अगर वो देते हैं कि हाँ ये गलत आंसर था, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसके आधार पर रिजल्ट फिर से देंगे। लेकिन कब तक देंगे ये नहीं कह रहे हैं, उनका सीधा कहना है कि कोई हम लिखित में नहीं देंगे, कोई डेट नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा है कि जब तक मेंस का डेट हम लोग घोषित नहीं करते हैं, तब तक आप लोग मान लीजिए कि जांच चल रहा है। अगर मेंस का डेट हम लोग घोषित कर देते हैं तो समझिएगा कि इस विषय की जांच पूरी हो चुकी है और इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसके बाद एक बात और उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट टीम जो भी आंसर देंगे तो उनका सोर्स के साथ हम आप लोग को बताएंगे, अगर मेंस का डेट घोषित कर देंगे तब आप लोग हमारे पास आइएगा और हम बता देंगे कि उन्होंने किस सोर्स के आधार पर आपके आंसर को खारिज किया है या सही पाया है या गलत पाया। बात नहीं मानी गई तो अब क्या करेंगे? अगर बात नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। एक्सपर्ट में गए नहीं, अभी तो हमारे मित्र अरविंद जी बोले, दिलीप जी जो बोले वो बिल्कुल सही है। हम मुझे तो पॉजिटिविटी लग रही है सचिव के बातों पे और मैं विश्वास करती हूँ, उन्होंने जो आश्वासन नहीं दिया है, उन्होंने जो बात कार्रवाई चल रही है, हमारे एक्सपर्ट उनके जो एक्सपर्ट टीम है वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर मुझे विश्वास है और मैं न्याय के लिए संभावित अगर क्वेश्चन को देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है तो हम लोग को न्याय मिलेगा। न्यायालय के सामने भी गई हूँ मैं, तो मेरे कुछ मित्र गए हैं उधर से भी, हम लोग कर रहे हैं जिधर से भी न्याय हम लोग को मिल जाए आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से चले। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है तो पूरा है न्याय मिलेगी। मैं आश्वासन देती हूँ बच्चों को कि हम लोग एक साथ रहे, मिलजुल के रहे और आंदोलन के लिए भी तैयार रहे, सकारात्मक सोचे और कोई उपाय भी नहीं हम लोगों के पास, सकारात्मक सोचे, हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो मिलने के बाद यही लगा कि उन लोग का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो उनकी स्पॉट कमेटी कहेगी वही वो मानेंगे, चाहे वो उनके सोर्स के अकॉर्डिंग ही आंसर को रिवाइज किया जाएगा। अगर वो लोग मानते हैं कि हम अच्छे लोग दे रहे हैं वो सही है तो ठीक है, वो लोग कंसीडर करेंगे और जितना क्वेश्चन कंसीडर होगा उतने से कट ऑफ को डिक्रीज किया जाएगा और जो बच्चे उस कट ऑफ को क्लियर कर लेगा उनको मेंस में लिखने का मौका दिया जाएगा। तो मुझे तो लगा कि लास्ट टाइम भी हम लोग मिले थे तो वही बात हुई थी और आज भी वही बात हुई है, काम तो हो रहा है, हमारा जो इशू है उस पर वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि हम लोग बैठे थे तभी चेयरपर्सन सर का कॉल आया था क्योंकि उनकी गाड़ी गई थी बाहर तो बच्चों को उन्होंने देखा था, तो उन लोग सर ने कॉल किया कि जो भी बच्चे बाहर खड़े हैं उनको बुलाइए और उनको कन्विंस कीजिए कि उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो भी होगा वो एक्सपर्ट कमेटी के बेसिस पे ही होगा, अगर वो जो भी बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी वो प्रूफ कर दें कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है तो उनको कंसिडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ को डिक्रीज करके बच्चों को एडिशनल रिजल्ट दिए जाएंगे और उनको एक मेंस लिखने का मौका दिया जाएगा। इसलिए आप मतलब वही था कि करेंगे कुछ तो कर ही रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं, हमारे मतलब हमारे लिए उनका सिंपैथी है कि अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है तो सिस्टम इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन ये तो हर बार होता है ना, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम के लिए बोल रहे हैं कि वो आप लोग हम लोगों के लिए काफ़ी सजेशन मांग रहा है कि आप लोग क्या सजेशन दे रहे हो, हम लोग उसको उस पर अमल करेंगे, जैसे कि आप लोग इस ग्रुप को फॉलो करते हो एनसीईआरटी ये सब जो भी है, या फिर बहुत लोगों ने बताया कि ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द, तो उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ये ऑप्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस ऑप्शन को हटाना चाहिए। सर ने बोला आप लोग हम लोग मिलकर सजेशन दो, अगर हम लोगों को लगेगा तो हम लोग जरूर उसको।
आज की बात क्या, मैं उस दिन की बातों से भी सेटिस्फाइड थी और आज भी सेटिस्फाइड हूँ। ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो अलग बात है कि थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि इन लोगों का कहना कि जो करेंगे वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सेटिस्फाइड हूँ बट अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ बीपीएससी के गेट में कुछ छात्र जो तो सके उनसे बीपीएससी के किसी के रिजल्ट उनको लेकर धरने पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। आज वो सचिव से मिले हैं, सचिव उन छात्रों को सेटिस्फाइड किए हैं। बीपीएससी गेट से मेरे सहयोगी आकाश कुमार के साथ मैं अमरीश मनीष अपना लाइव डॉट न्यूज़ के लिए। चलो भाई थोड़ा पानी भाई बीच में फंसी है क्या नहीं है।